गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री आईएएस क्लासेस। आज से हम साइंस का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी पोर्शन, जो हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और वेरियस एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो साइंस के क्वेश्चन नॉर्मली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी 2019 जिसने दिया है इस बार, उसको पता है इस बार साइंस का पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और हमें साइंस के पोर्शन पे, जैसे चाहे आप कोई भी एसएससी की एग्ज़ाम भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, नॉर्मल जो स्टेट पीसीएस है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल विटामिन के क्वेश्चन पूछ देगा, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और बेसिक्स स्ट्रांग करने के लिए हम आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसमें हम 6th क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 6th क्लास से हम पहला चैप्टर जो है फूड, वेयर डस इट कम्स फ्रॉम, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर में बस आपको ये पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स हो गया, इंग्रेडिएंट्स में आपको पढ़ना है। जैसे कि आप फूड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। आपको पता है कोई भी फूड प्रिपेयर की जाती है तो उसमें वेरियस टाइप के, जैसे आप अगर दाल बना रहे हैं तो दाल में आपको नमक भी लगता है, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, आपको पल्सेस लगते हैं, तो मतलब ये वेरियस और मसाले कुछ, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स हर चीज़ में अलग अलग टाइप के लगते हैं। जैसे रोटी और चपाती में आटा लगता है, आपको पता है आटा लगेगा और वाटर लगेगा, उससे आप आटा गूंथ के रोटियां बनाते हैं, तो उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं जो आटा और वाटर लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता है इंग्रेडिएंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे ये देखिए, फ़िश फ्राई है बना हुआ, ये दाल है, ये नॉर्मल जो इडली सांभर जो साउथ का फूड है, तो ये सब चीज़ें में इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जिससे बनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड जो टॉपिक है वो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। आपको पता है दो ही सोर्स हैं, एक तो हो गया प्लांट्स, एक हो गया एनिमल्स। प्लांट्स में आपको पता है प्लांट्स में कौन कौन सी चीज़ें खाने लायक होती हैं, फ्रूट्स भी लोग खाते हैं, उसके फ्लावर्स भी लोग खाते हैं, उसका लोटस का भी देखिए सब्जी बनाया जाता है। तो मतलब प्लांट्स के भी हर पार्ट्स को खाया जाता है, रूट के पास पार्ट्स को भी खाया जाता है, कई कई बार प्लांट्स के दोनों पार्ट्स को भी खाया जाता है। जैसे हो गया गाजर हो गया और भी चीज़ें हैं जो चीज़ दोनों चीज़ खाई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका, ये इसमें आप पढ़ेंगे कि फूड्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पॉर्क, ये सारी चीज़ें जो एनिमल्स से मिलती हैं। उसके बाद आ जाता है इडली, ये आपको इसमें बताएगा फूड आइटम। देखिए फूड आइटम है ये, एक सेकेंड, ये फूड आइटम है जिसमें इडली को लिया गया है। इडली में राइस डलता है, उड़द दाल, सॉल्ट, ये क्या हो गए इंग्रेडिएंट्स हो गए। सोर्सेज क्या है, प्लांट्स। चिकन करी में आपको क्या लगता है, चिकन करी में आपको प्लांट्स एनिमल्स दोनों लग सकते हैं, जैसे ऑयल और घी लगता है वो प्लांट्स, ऑयल प्लांट से आता है, जैसे कि ऑयल्स जो भी हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। तो और एनिमल जो चिकन लगेगा वो एनिमल से लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना होता है इसमें। उसके बाद आता है ईटेबल जो फ्रूट्स जो प्लांट्स हैं उसमें कई सारे, आपको पता है प्लांट्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं कि हर पार्ट्स में से कुछ ना कुछ खाया जाता है। अगर रूट का हिस्सा भी खाया जाता है, लीफ वाला हिस्सा भी खाया जाता है, ठीक है, बर्ड वाला हो गया, फ्लावर हो गया, तो ये सब चीज़ों में स्टेम वाला हिस्सा भी मतलब ये सब चीज़ें ईटेबल कौन सा है इसमें, कई कई बार होता है दो, एक ही प्लांट के दो हिस्से भी खाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपको ये थोड़ा सा, इसमें आप स्प्राउटेड पढ़ लेना, स्प्राउटेड क्या होता है। ठीक है, अपने बचपन में आपको पता है, बचपन में क्या अभी भी आप भिगो के चने और ये सब रख देते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, उसको स्प्राउटेड बोलते हैं। उसके बाद आता है नेक्टर। नेक्टर आपको पता है कौन बनाता है, नेक्टर बनाता है हनी, हनी जो जूस होते हैं इसमें बीज होते हैं जो वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये आपका होता है, अब थोड़ा हम पता कर लेंगे कि कितने टाइप के लोग, मतलब कितने टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो फूड, उनके टाइप के हिसाब से, उनके जो खाते हैं उनके हिसाब से उनका नाम रखा गया। अगर वो प्लांट्स खाते हैं तो हर्बीवोरस है, अगर वो एनिमल्स खाते हैं तो कार्निवोरस है, अगर वो दोनों चीज़ खाते हैं प्लांट्स एनिमल बोथ जैसे ह्यूमन बीइंग है वो ओमनीवोरस है, जो नहीं खाते वो तो हर्बीवोरस रहेंगे, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं वो ओमनीवोरस रहेंगे। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि प्लांट्स में और ये चीज़ें,
कीवर्ड्स हम जरूर देख लेंगे, जो कीवर्ड्स होते हैं वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है चैप्टर में। उसके बाद होता है बहुत जल्दी हमने इसे ख़त्म कर लिया है, और आने वाले समय में और जल्दी हम तेज़ी से इसको NCERT 6 क्लास को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चंस ऐसे देखिए कि टाइगर इज़ अ व्हाट कार्निवोरस बिकॉज ईट ओनली मीट। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे इसको NCERT, और NCERT को पढ़ने के लिए NCERT का आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से आप NCERT ख़त्म कर सकते हैं। NCERT बहुत बेसिक बुक होती है, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।